2.5 पे आ जाओ। 2.5 का पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्लॉन फॉर्म। दूसरा सवाल है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। तीसरा सवाल है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये तीनों काम एक साथ हम करेंगे। तो हम एक मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट नंबर थ्री है वो सबसे मुश्किल है। काम करेंगे उसी को पिक करते हैं और तीन काम एक साथ करेंगे। सबसे पहले इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद रैंक आ जाएगा आपके पास। तो ये तीनों सवाल एक साथ कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिए। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसमें कवर हो जाएंगे। मैं 3 का नंबर करवा रहा हूँ जो कि सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको नाम दे दो अगर चाह रहे हो तो। ये जो ऑर्डर है ये कितने की, 4 बाय 5 की मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करते, अगर आप इसमें सही तरह सीख गए ना तो मसला कुछ नहीं होना। यार आप लोग वेरीफाई भी कर लेना, कभी मैं गलती ना कर दूं सवाल के अंदर, फिर वो आंसर मैच नहीं होगा। जरा देख भी लिया करो कि क्वेश्चन सही तरह उतरा है या नहीं उतरा, क्योंकि इसके अंदर 20 एलिमेंट्स हैं, कहीं में भी गलती हो सकती है। -3, -6, -4, -9, -1, -2, -1, 3, 1 सही, 1, 4, 5 ये मैट्रिक्स है। क्या करना है भाई, सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि यहाँ पे आपने इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना फिर। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इक्लॉन में करना है, आप डायरेक्ट रिड्यूस में भी कर सकते हो। लेकिन मसला है कि आप ही पहली दफा काम कर रहे हो, आपने पहले जिंदगी में काम नहीं किया, तो हम एक काम करते हैं अपनी आसानी के लिए कि पहले इक्लॉन में कन्वर्ट करते हैं और इक्लॉन के बाद 2-3 स्टेप के अंदर आप रिड्यूस में भी कन्वर्ट कर लोगे। तो ताकि आप लोग पहली दफा पढ़ रहे हो तो आप लोगों को आसानी हो, बाद में जब आप लोग सीख जाओगे तो फिर जो करना है करो, कोई मसला नहीं, डायरेक्ट रिड्यूस में कर दो, जो मर्जी है कर लोगे आप। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स है ना, अब ये जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कन्वर्ट करने की पूरी, जरा इस पर ध्यान देना। ये आप लोगों को शायद बुक में कहीं मिले ना, कहीं तो लिखी हो, कहीं ना मिले तो प्रॉपर देखना मैं किस अंदाज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल बड़े बड़े होते हैं, अगर मैं ज्यादा सवाल करवाने लग गया टाइम बहुत लग जाएगा। तो मेरी सब बातों को नोट करना जो मैं बताता जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर अगर आप मैट्रिक्स में देखो कि कोई रॉ पूरी जीरो है, तो पहले स्टेप में उसको आपने नीचे शिफ्ट कर देना है, इंटरचेंज करवा दो। जैसे कंसीडर कर लो जो पहली रॉ ना, कंसीडर कर लो अगर ये जीरो होती, आप इसको इंटरचेंज करवा देते किसी भी रॉ से, सॉरी किसी भी रॉ से नहीं, जो एंड पे है। आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं इंटरचेंज रॉ 1 रॉ 4। अगर रॉ 1 पूरी जीरो होती, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर पूरी जीरो होती ना तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में इसको इंटरचेंज करवा देते नीचे वाली रॉ से, बिल्कुल जो एंड वाली रॉ है। तो इसको आप ऊपर ले आते, इस वाली को आप नीचे ले जाते हैं। ये काम करना है आपने। सबसे पहला काम क्या है, अगर पूरी जीरो है तो उसको आपने एंड पे डायरेक्ट शिफ्ट करवाना है। अगर आप किसी, ये पहला स्टेप मैंने आपको बताया, अगर आप देखो किसी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मतलब उसकी कोई भी रॉ जीरो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरी कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, दूसरी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप वो रॉ ढूंढो, रॉ में पहला एलिमेंट 1 आ रहा है। अगर आपको किसी रॉ में पहला एलिमेंट 1 नजर आ रहा है तो उसको डायरेक्ट ऊपर ले जाओ। देखो आपको पहला एलिमेंट 1 तो करना है हर रॉ के अंदर, तो अगर पहली किसी रॉ में पहला एलिमेंट 1 है तो आप डायरेक्ट उसको पहली रॉ बना दो, आपकी आसानी हो जाएगी। अगर आप यहां पे देखो ये जो R4 है इसमें ऑलरेडी पहला एलिमेंट 1 है, आप क्या करो आप इसको शिफ्ट करवा दो ऊपर, आसानी होगी। कितनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी लेकिन ये काफी काम आएंगी आपकी जब भी आप किसी को कन्वर्ट करोगे। तो याद रखो जब भी किसी रॉ का पहला एलिमेंट आपको 1 नजर आ रहा है तो आप उसको ऊपर शिफ्ट करवा दो, तरीका मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो अब मुझे नजर आ रहा है कि जो आखिरी वाली रॉ है इसके अंदर 1 आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं इस जगह पे, और ये वाली जो है इसको मैं नीचे ले आता हूं। जिस रॉ को आप लेके जाना चाह रहे हो ऊपर तो उसको ऊपर ले जाओ, और जो पहले ऊपर थी उसको इस वाली की जगह पे ले आओ। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहली बात हम ये सिंबल लगाते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि जो भी आप इसमें स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो, जो 3 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए, उन 3 स्टेप्स से आपकी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसके इक्विवेलेंट ही रहती है। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, मतलब दिखने में आपको अलग लग रहा है, मतलब इक्वल नहीं है वो, लेकिन इक्विवेलेंट है, मतलब सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आप इस तरह समझो। तो दैट्स व्हाई सिंबल आपको नजर आ रहा होता है। उसके बाद आप क्या करो, रॉ 1 और रॉ 4 को आपस में इंटरचेंज करवा दो। तो जो रॉ 1 है मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ,
बाकी दो रॉ जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। बिल्कुल पहली रॉ थी, इसको मैं एंड पे ले आता हूं। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें हम नॉर्मली अंग्रेजी लिख नहीं रहे होते। चाहो तो आप अंग्रेजी में लिख दो इंटरचेंज R1 एंड R4। बेहतर तरीका क्या है, सिंबल्स में आप आगे बता दो। और सिंबल्स में कैसे हम बताते हैं, जुमला लिखते हैं हम कि बाई, बाई का मतलब कि आपने जो यहाँ पे हरकत की है ना, आप आगे लिख दो क्या हरकत की है आपने। आपने क्या किया, आपने R1 R4 को इंटरचेंज करवाया। तो सिंबल्स में इसको हम ऐसे लिखते हैं, R1 और ये दरमियान में डबल एरो होता है और R4, इसका मतलब ये कि आपने R1 और R4 को आपस में इंटरचेंज करवाया है। ये फेडरल बोर्ड में और असल में सिंबल नॉर्मली यूज होता है। आप लोगों की बुक में अजीब ही सिंबल यूज हुआ है, ये वाला R14 का मतलब कि आपने 1 और 4 को आपस में इंटरचेंज करवाया। आई गेस यही सिंबल लिखा हुआ। तो सिंबल मैंने कहीं पढ़ा नहीं था आप लोगों की बुक के अलावा इंटरचेंज। हाँ तो उन्होंने ही लिखा हुआ भाई, R1 R8 मतलब ये चीज लिखी हुई रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने 1 और 4 को इंटरचेंज करवाया। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सिंबल यूज ना करो, मुझे कोई सेंस नहीं बना रहा है सिंबल। ये सिंबल अच्छा है, सेंस भी बना रहा है कि यार आपस में आपने इंटरचेंज किया है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा कि आपने सिंबल बुक वाला क्यों यूज नहीं किया, आपकी मर्जी होती है। ना तो ये पहला काम। हाँ बोलो। सर, ये जो हमने रोज को चेंज किए, फिर साइन चेंज नहीं होगा, माइनस नहीं आया? भाई तुमने लास्ट क्लास ही नहीं ना, लास्ट क्लास सच सच बता ली थी या नहीं? तो थी सर। लो फिर तो मैंने लाजमी सवाल का जवाब दिया था। कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहेगा इस बात का? अच्छा सर, डिटरमिनेंट वो तो ठीक, डिटरमिनेंट की हाँ तुमने खुद ही बता दिया, ये जो प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की थी कि जब रॉस को आपस में इंटरचेंज करो तो माइनस आता है। कोई मुश्किल बात, कोई मतलब गलत बात नहीं है। ये क्वेश्चन मेरी यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में मुझे नहीं आता था, तुम तो फर्स्ट ईयर पे सीख गए हो, तो अच्छी बात है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में समझ आ गई बात कि डिटरमिनेंट अलग चीज है, मैट्रिसेस अलग चीज है। डिटरमिनेंट में जब इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन आता है क्योंकि वैल्यू होती है ना वहां पे, और मैट्रिसेस के अंदर इंटरचेंज करते हो तो कोई इशू नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्यों इशू नहीं है, वो लास्ट क्लास में देख लेना मुझे। ये पहला काम आपने कर दिया। तो ये जो मैंने आप लोगों को दो स्टेप बताया ना अभी, कि जो भी आपके पास मैट्रिसेस आए आपने इस ऑर्डर में देखना है कि कोई जीरो है नीचे भेज दो, अगर किसी में वन आ रहा है तो उसको ऊपर ले आओ। ये दो काम आपने करना है। वन से आपने जो वन वाली रॉ है उसको ऊपर ले आए हो, अब तीसरा काम आपका क्या होगा, जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है, जो वन है ना इसके नीचे सब जीरो करने हैं, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म में आपने क्या पढ़ा था कि जो लीडिंग एलिमेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट है ना, इसके नीचे सब जीरो होने चाहिए। तो अब आपको वही करना है, आपको वन के नीचे सारे क्या करने हैं, जीरो करने। अब आप ये वन के नीचे जीरो कैसे करोगे? कुछ सवाल बड़े इजी होते हैं, जैसे ये जो रॉ टू है यहां पे जीरो होना ना बड़ा इजी है। अगर मैं इस रॉ वन को रॉ टू के अंदर ऐड कर दूंगा, और -1 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यहां पे जीरो आ जाएगा, बड़ा इजी काम है। इसी तरह अब अगर मैं मतलब ये तो जीरो कर दिया ना मैंने, ये तो ऑलरेडी जीरो है, अब मैं इसको जीरो कैसे करूं? आप सिंपल रॉ वन को मल्टीप्लाई करना 2 से, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर ऐड करवा देना इसके अंदर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैं पहले लिखना बता देता हूँ आप लोगों को, मतलब जो आप यहाँ पे करोगे सामने आपने बताना होगा कि आपने क्या किया है। तो जो मैंने यहाँ पे करना है ना, वो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ कि करना मुझे क्या है। मैंने R1 के अंदर R1 को ऐड करवाना है, R2 के अंदर R1 को आप ऐड करवाओगे जीरो हो जाएगा, और दूसरा काम मुझे क्या करना है, मुझे R3 के अंदर टाइम्स R1 ऐड करवाना है, कि R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड करवाना है, R3 के अंदर। तो मैंने ये चीज लिख दी है। अब देखो इस सिंबल में अगर आप, ये तो मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि R2 के अंदर आपको R1 ऐड करवाना है, वैसे कोई इसका मतलब ये भी तो ले सकता है कि R1 के अंदर R2 ऐड करवा दो। ये कंफर्म नहीं है कि किस रॉ के अंदर आप काम कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई हम शुरू में ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये इसका मतलब क्या है कि जो चेंजिंग आप करवा रहे हो वो R2 के अंदर करवा रहे हो, फिर अब क्या चेंजिंग है कि R2 के अंदर आप R1 ऐड करवा रहे हो। तो इस सिंबल से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा चेंजिंग किसके अंदर आ रही है। इसी तरह नीचे की बात करो, चेंजिंग R3 के अंदर आ रही थी तो आपने ये काम कर दिया। तो अब आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि R2 R3 के अंदर आपने चेंजिंग करनी है, क्या चेंजिंग करनी है वो सामने लिखनी है। अब हम मैट्रिक्स लिखते हैं, Raw 1 और Raw 4 तो सेम ही रहेगी, उसके साथ तो आप कोई हरकत नहीं कर रहे, तो Raw 4 भी मैं लिख लेता हूँ। Raw 2 के अंदर क्या कर रहे थे, Raw 2 के अंदर सिंपल R1 आप ऐड करवा रहे थे, तो 1 को -1 में ऐड करवाओ 0, 4 को -2 में ऐड करवाओ 2, 5 को -1 में ऐड करवाओ 4,
माइनस नाइन को थ्री में ऐड करवाओ माइनस सिक्स, माइनस सेवन को वन में ऐड करवाओ माइनस सिक्स। तीसरी रॉ में आप क्या कर रहे हो, आप पहली रॉ को टू से मल्टीप्लाई करो और तीसरी रॉ में ऐड करो, तो वन को टू से मल्टीप्लाई करो टू आएगा, टू को माइनस टू में ऐड करवाओ, इसको टू से मल्टीप्लाई करवाओ एट, एट को माइनस थ्री में ऐड करवाओ फाइव, इसको टू से मल्टीप्लाई करवाओ टेन, टेन को जीरो में ऐड करो, अगेन टू से मल्टीप्लाई करो माइनस एटीन, माइनस एटीन को थ्री में ऐड करवाओ माइनस फिफ्टीन, अगेन टू से मल्टीप्लाई करवाओ माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन को माइनस सेवन में ऐड करो 21, माइनस 14 और माइनस 7, हाँ माइनस 21, और जो आखिरी रो है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या किया, जो वन लीडिंग एलिमेंट था पहली रो के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल एंड पे लेगा, सॉरी उसके नीचे सारे आपने क्या कर दिए, जीरो कर दिए। अब देखो वन के नीचे तो सारे जीरो हैं, ये वाला प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। अब आपने क्या करना, उसके बाद अब आपकी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट रॉ है, पहली रॉ का काम आपने मुकम्मल कर लिया, अब जो नेक्स्ट रॉ है उसमें आपने सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट को वन करना है। लीडिंग एलिमेंट कौन सा होता है, जीरो के बाद जो पहला एलिमेंट आ रहा है, ये जीरो है ना, जीरो के बाद जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ पे वन नहीं है, टू है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको मुझे वन बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। अच्छा किस रॉ को, मतलब कौन सी रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा आपने किया काम, इतना लंबा करके कोई फायदा नहीं, सिंपल वन अपॉइंट से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ वही काम करना है, वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई या टू से डिवाइड। आप क्या करो भाई, जो तीन रॉ ऑपरेशन थे उसमें से दूसरा मैंने क्या बताया था, किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो क्या करो आप, ये जो R2 है इसको 2 से डिवाइड कर दो। अच्छी बात है भाई, जब R2 को आप 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करो ये 1 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 2, इसको करो माइनस 3 और माइनस 3। तो सिंपल क्या करना है, R2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात होगी ना, यही काम मैंने वहां पर किया है R2 के साथ। और आगे मेंशन कर दो क्या किया आपने, बाई मल्टीप्लाई किया वन अपॉन टू को आर टू से, सिंपल लैंग्वेज में कि मैंने आर टू से, आर टू को वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई किया, या सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल दो कि टू से डिवाइड किया है। सही है, अब अगर आप देखो वन आ गया यहाँ पे, अब आपके अगली कोशिश क्या होगी, आपकी अगली कोशिश अगेन ये लीडिंग एलिमेंट है ना, लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो होना चाहिए, अब अगेन आपकी कोशिश क्या होगी, इस वन के नीचे भी सारे जीरो करने हैं आपको। अब आप क्या करोगे, अब जरा उसका देखते हैं, वन के नीचे जीरो करने का वही प्रोसेस होगा भाई, यहाँ पे आप एक काम, एक सेकेंड, तो इस वन के नीचे जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, कोई स्टूडेंट बता सकता है जल्दी से कि किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम, वन के नीचे जीरो चाहिए मुझे, भाई सिंपल एक काम करना है आपने, जो यहाँ पे आपने किया था, पता नहीं कितने सुस्त चलते हुए आ रहे हो तुम लोग, ये काम कर लो यहाँ पे। अब देखो आप एक काम करो, रॉ टू जो है उसको माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस फाइव हो जाएगा, ऐड करवा दो आर थ्री के अंदर हो जाएगा ये, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाओ थ्री से, ये थ्री हो जाएगा, इसको ऐड करवाओ आर फोर के अंदर, अगेन इसके नीचे जीरो आ जाएगा। तो क्या दो काम करवाने हैं आपने, ये बाई आपने सबसे पहले चेंजिंग किसके अंदर करनी है, चेंजिंग आपने करनी है R3 और R4 के अंदर, तो R3 के अंदर आपने क्या चेंजिंग करनी है, R3 के अंदर आपने ऐड करवाना है माइनस फाइव ऑफ R2, माइनस फाइव ऑफ R2। यार मैं जुमले को ना यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए, ये आपने लिखना आ गई है लेकिन जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं कि भाई R3 के अंदर आपने क्या चेंजिंग करवाई, R3 के अंदर आपने ऐड करवा दिया माइनस फाइव ऑफ R2, मतलब R2 को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया और ऐड करवा दिया R3 के अंदर। इसी तरह R4 के अंदर आपने क्या चेंजिंग की, आपने R4 के अंदर ऐड करवा दिया थ्री टाइम ऑफ R2, आपने R2 को थ्री से मल्टीप्लाई करवाया और ऐड करवा दिया R4 के अंदर, तो अब ये भी जीरो हो जाएगा। और ये करवाने के बाद ये चीज आपने सामने लिखनी है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो आप सामने लिखते हो वो आपको इधर करना पड़ता है,
तो आप क्या करो, वही काम करो जो आपने लिखा है. आर सबसे पहले आर टू को मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव से, तो जीरो को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करो जीरो होगा, इधर ऐड करो जीरो. इसको माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव होगा, ऐड करवाओ फाइव के अंदर जीरो. इसको माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवाओ माइनस माइनस टेन हो जाएगा, जब आप माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवाओगे. माइनस टेन को टेन के अंदर ऐड करो हो जाएगा. इसको माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवाओ फिफ्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन अगेन ये भी जीरो हो गया. करना आप ये चाह रहे थे लेकिन बाकी भी जीरो होते जा रहे हैं. इसको मल्टीप्लाई करवाओ माइनस फाइव से, ये हो जाएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन और माइनस ट्वेंटी वन ये हो जाएगा माइनस सिक्स. तो असल आपका मकसद था ये जीरो करवाना, लेकिन कुछ मैट्रिसेस ऐसी होती हैं कि उनकी बनावट ऐसी होती है कि बाकी चीजें में जीरो हो रही होती हैं. आपका असल मकसद फिलहाल ये था, ठीक है? अगर वो खुद ही हो रहे हैं तो सही है, कोई मसला नहीं है. अच्छा जी, तो आर थ्री में आप वन के नीचे तो जीरो ले आए हो. अब आर फोर की बात करते हैं. आर फोर के अंदर क्या करना है, आर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. आर टू को मल्टीप्लाई करो थ्री से, जीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, इसके अंदर ऐड करो जीरो. इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री होगा, थ्री माइनस थ्री जीरो. थ्री से मल्टीप्लाई करवाओ सिक्स होगा, सिक्स माइनस सिक्स जीरो. इसको थ्री से मल्टीप्लाई करवाओ माइनस नाइन, माइनस नाइन को माइनस फोर में ऐड करो माइनस फाइव. और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करवाओ ये हो जाएगा नाइन, सॉरी माइनस नाइन, माइनस नाइन को इसमें ऐड करो जीरो आ जाएगा. देख लो जरा गौर से और बताओ कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ पे. ये भी कोई अच्छा नंबर हो जाता ना डायरेक्ट कैंसिल हो जाता. खैर ठीक है, कोई सवाल यहां तक, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर. कर दो. अच्छा अब अगर आप इसको और इसको देखो भाई, वन के नीचे तो सारे आप जीरो ले आए हो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप अगेन वही जो मैंने शुरू में बात की थी ना, अगर किसी का पहला एलिमेंट अगर वन है बिल्कुल, या इसको इस तरह समझ लो कि आपने जो रॉ है ना उनको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है. ऑर्डर कहेंगे इसको, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे अगर उस सेंस में बात करते हो, कि आहिस्ता आहिस्ता उनके एलिमेंट जीरो हो. फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे दूसरी रॉ के अंदर पहला एलिमेंट है वो जीरो है. तो अब ऐसा ना हो जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने देखा था कि जो बाकी तीन रॉ है उनके पहले एलिमेंट कोई ना कोई नंबर है, जबकि पहली रॉ का जीरो आ रहा है. क्या किया था, इसको पीछे बिल्कुल नीचे शिफ्ट करवा दिया था. उसकी रीजन ये है कि जिस रॉ में मैक्सिमम नंबर्स मौजूद हैं उसको ऊपर होना चाहिए. या फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दो को देखो, तो इस रॉ में देखो माइनस फाइव, देखो माइनस सिक्स, मतलब इसमें एलिमेंट पहले आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है एलिमेंट और इसमें पांचवें नंबर पर आ रहा है. तो ये बात सेंस नहीं बनाएगी. आपने क्या करना है, आपने इंटरचेंज करवा के किसी तरह इसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि विल्फर्ज जैसे ये देखो ऊपर वाली रॉ में ये पहला एलिमेंट यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे माइनस थ्री है. विल्फर्ज अगर मैं इस रॉ को ऊपर ले जाऊं, ये अजीब सी बात लगेगी ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि इनके पहले एलिमेंट मौजूद हैं जबकि पहली रॉ का पहला एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, जीरो हुआ. तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस रॉ को ऊपर कर देना है जिसमें सबसे पहले कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है, इसमें चौथे नंबर पे आ रहा है और इसमें पांचवें नंबर पर आ रहा है. तो आप क्या करो, इस वाली रॉ को ऊपर ले जाओ. ठीक है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है आर थ्री और आर फोर को. जो मैंने पूरी बात बोली है कि मैं क्यों इसको इंटरचेंज करवा रहा हूँ, ये सबको समझ आई है कि मुझे हाँ ना चाहिए ताकि पता चले फॉलो कर रहे हो या नहीं. अब अगर देखो, अब बात अच्छी लग रही है आपको, क्यों? इसमें देखो माइनस फाइव है तो अब दूसरी जगह पे यहाँ पे माइनस सिक्स आ रहा है. ऐसा नहीं था पहले कि यहाँ पे नंबर पहले आ रहा है, यहाँ पे नंबर बाद में आ रहा है. वो जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको बात समझ आएगी. तो अब आप इस फॉर्म में आ गए और आगे लिख दो कि किया क्या आपने, बाई आर थ्री आर फोर को आपस में इंटरचेंज करवाया. आर थ्री और आर फोर को आपस में आपने इंटरचेंज करवाया तो ये सिचुएशन बन गया. अब आप दोबारा देखो, यहाँ पे वन के नीचे सब जीरो है ना, यहाँ पे वन के नीचे सब जीरो है, तो शुरू की दो रॉ का काम आपका मुकम्मल हो गया. अब आप तीसरी और चौथी रॉ को देखो. तीसरी रॉ में सबसे पहली बात, लीडिंग एलिमेंट क्या है, लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे माइनस फाइव आ रहा है. लीडिंग एलिमेंट क्या था, जीरो के बाद जो एलिमेंट आ रहा है. तो तीसरी रॉ में जीरो जीरो जीरो, तो जीरो के फौरन बाद क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए था, जबकि जीरो के फौरन बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस फाइव. तो उस माइनस फाइव को भी आपको क्या करना पड़ेगा, वन बनाना पड़ेगा. अब कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि इस माइनस फाइव में वन कैसे बनाऊंगा, जल्दी से. माइनस वन अपॉन फाइव.
माइनस वन अपॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करवा दो, या आप इसको बोलो कि माइनस फाइव से डिवाइड करवा दो। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम सिंपली लिखेंगे कि भाई क्या काम कर रहे हैं आपने, जस्ट जो आर थ्री है तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, माइनस वन अपॉइंट फाइव से। बाकी शुरू की रॉ ऑब्वियसली एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अच्छा जी, रॉ थ्री को मल्टीप्लाई कराओ माइनस फाइव ही, ये तो पहले जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, माइनस फाइव को डिवाइड कराओ माइनस फाइव से तो वन हो जाएगा, और जीरो को डिवाइड करवाओगे अगेन ये तो जीरो ही रहेगा। और जो आखिरी वाली रॉ है उसको हम एज इट इज अपनी जगह पे लिख देते हैं, ये सिचुएशन है। अब अगेन लीडिंग एलिमेंट वन है ना, वन के नीचे जीरो होना चाहिए, तो अगर आप देखो वन के नीचे जीरो है। मैं पहले यहां पे बता रहा हूं कि अगर किसी सवाल में आपको बोला जा रहा है ना कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले आप इक्लॉन फॉर्म में जाओगे फिर रिड्यूस में जाओगे। जैसे यहां पे आपने वन के नीचे जीरो किए थे ना, तो आपको पता है रिड्यूस में वन के ऊपर भी जीरो चाहिए होते हैं, तो आप डायरेक्ट इस रॉ को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करवा के इसके अंदर एड करवाते तो वन के ऊपर भी जीरो आ जाता, डायरेक्ट रिड्यूस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। लेकिन आप लोगों की बुक में ऐसी कोई शर्त नहीं है, और मैं अभी बिल्कुल पहली दफा पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ, तो पहले मैं इक्लॉन फॉर्म में कर रहा हूँ फिर रिड्यूस में। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि अगर कहीं सवाल है कि रिड्यूस में कन्वर्ट करो, जैसे क्वेश्चन नंबर टू है आपको डायरेक्ट रिड्यूस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिर जरूरी नहीं कि पहले आप इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर रिड्यूस में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं डायरेक्ट भी रिड्यूस में आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम पहले इक्लॉन में जा रहे हैं फिर हम रिड्यूस में जा रहे हैं। अच्छा, तो देखो वन के नीचे जीरो आ गया, सवाल कंप्लीट। लेकिन अगर आप आखिरी रॉ को देखो, अगेन आखिरी रॉ में जो लीडिंग एलिमेंट है वो माइनस सिक्स है, जबकि क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए था। तो अगेन आप क्या करो, आगे लिख दो कि बाई, या आप चाहो तो एक साथ यहाँ पे भी काम कर सकते हो, दो काम एक साथ कर सकते हो, हमने इधर भी दो काम किए थे। आपको अगर ये बात नजर आ रही है कि यार मुझे दूसरी दफा फिर वही काम करना पड़ेगा, तो आप दो काम एक साथ कर लो इस तरीके से। क्या आप क्या लिखो कि आर थ्री को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवा दिया, आर फोर को मैंने माइनस सिक्स से, सॉरी माइनस वन अपॉइंट सिक्स से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जब माइनस वन अपॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपके पास मैट्रिक्स जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये जो मैट्रिक्स है कन्वर्ट हो गई इक्लॉन फॉर्म में। अगर आप देखो सारी शरायत पूरी हो रही है, हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट वन है, कोई यहां पे जीरो वाली रॉ नहीं है, अगर जीरो वाली रॉ होती तो बिल्कुल एंड पे होती। और तीसरी बात कि जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे सब जीरो है, वन के नीचे सब जीरो, वन के नीचे सब जीरो, वन के नीचे सब जीरो, और ये तो ऑलरेडी। तो यहां से भी आप देख के, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, तो इसका रैंक क्या होगा यहाँ पे, एक्सीलेंट, फोर होगा। क्यों? क्योंकि कोई जीरो ही नहीं है इसके अंदर, कोई जीरो वाली रॉ तो नहीं है, तो टोटल कितनी रॉ है, चार रॉ है, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। लेकिन आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रैंक बता सकते हो, उसमें भी फोर ही रहेगा, चेक करके देख लेना। तो इक्लॉन फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट करना होगा तो आपकी ये पूरे स्टेप्स होंगे, जो बेसिक बातें मैंने सारी क्लियर की। अब अगर इक्लॉन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है और आपने उसको रिड्यूस में लेकर आना है, तो आप कैसे लेके आएंगे, जरा उसको भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर जो थ्री था ना, वैसे बुक का जो रैंक का सवाल था, वो यहां पे खत्म है। यहां पे करने के बाद आप सिंपल क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयर आर नॉन जीरो रॉज, देयर फोर रैंक जो है वो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कंप्लीट है, यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको रैंक बताना था, तो रैंक आप सिंपल इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो और रैंक बता दो। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने यहीं तक करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर वन भी यहां पे कवर हो गया। वन में आपने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर वन में ही बोला हुआ था ना आपको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इक्लॉन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करने का तरीका देख लिया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों का यहां पे कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू क्या था कि आप कन्वर्ट करो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। यहां तक कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस में कन्वर्ट नहीं करता, हालांकि मैं इस स्टेप के बाद रिड्यूस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, लेकिन मैं नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह कि क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें आपको डायरेक्ट रिड्यूस में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट अगर रिड्यूस में कन्वर्ट करना होना तो स्टेप्स थोड़े आपके इजी हो जाते हैं, आप यहीं पे दो तीन काम एक साथ करके ना डायरेक्ट रिड्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मैं काम करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू में भी आपको डायरेक्ट रिड्यूस में कन्वर्ट करना है, और जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें भी आपको डायरेक्ट रिड्यूस में ही कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर की वजह से भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम डायरेक्ट ही सीख लेते हैं, वरना इनडायरेक्ट तौर पर अगर आपने इसके बाद अगर रिड्यूस में कन्वर्ट करना है तो मैं स्टेप्स बता देता हूँ क्या करोगे आप।
वो स्टेप्स ये हैं कि लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी आपको जीरो चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वन के ऊपर आपको जीरो चाहिए, तो आप सिंपल उसको मल्टीप्लाई करवाना किससे, माइनस फोर से, और उसको ऐड करवा देना किसके अंदर, आर वन के अंदर। तो सिंपल माइनस फोर को मैंने मल्टीप्लाई करवाया आर टू से, ये माइनस फोर हो जाएगा, इसको ऐड करवा देना आर वन के अंदर, वन के ऊपर जीरो आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वन के ऊपर और नीचे जीरो आ गए, बात खत्म। अब इसकी बात करते हैं, इधर भी वन के ऊपर नीचे आपको जीरो चाहिए, नीचे तो जीरो है, ऊपर कैसे करवाओगे, अगेन आप क्या करना है यहाँ पे, आर टू के साथ छेड़खानी करना, क्या करना, आर थ्री को मल्टीप्लाई करवाना थ्री से, ऐड करवा देना इसके अंदर, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप चेंजिंग लाओगे आर वन के अंदर, अगेन क्या चेंजिंग लाओगे, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे नाइन से, आप नाइन से मल्टीप्लाई करवाओ आर थ्री को, और ऐड करवा देना किसके अंदर, आर वन के अंदर, तो अगेन वन के ऊपर भी जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे वन के ऊपर सारे जीरो हो जाएंगे। इसी तरह अब आप इस वन की बात करो, इस वन के ऊपर एक तो जीरो है, इस और इसको जीरो करना है, अगर ये सब काम करने के बाद अगर ये जीरो नहीं है, क्योंकि आपने सीक्वेंस में सब काम करना है ना, पहले ये काम करोगे फिर उसके बाद ये दो काम एक साथ करना है, अगर इसके बाद भी वन के ऊपर यहाँ पे कोई जीरो बचा हुआ हो, मोस्ट प्रॉब्ली बचा हुआ होगा, हाँ क्योंकि नीचे जीरो आ गया ना यहाँ पे, तो अगर ऊपर बचा हुआ होगा तो वही काम करना अगेन आपने, कि आप क्या करना इसको मल्टीप्लाई करवाना किससे, थ्री से, आर फोर को मल्टीप्लाई करो थ्री से, और ऐड कर देना आर टू के अंदर, तो अगेन ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह क्या करना आखिरी काम, आप इसको मल्टीप्लाई करवाना सेवन से, ऐड करवा देना किसके अंदर, आर वन के अंदर, तो वन के ऊपर भी सारे जीरो आ जाएंगे, तो सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपकी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि पहले एक्लॉन में करो फिर रिड्यूस में कर दो, तो ये काम मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप डायरेक्ट भी रिड्यूस में कर सकते हो, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवाता हूँ, नेक्स्ट सवाल तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये समझ लो क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और हम ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का टॉपिक क्या है जरा उसको समझते हैं, और फिर हम एक साथ ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का टॉपिक क्या है, टॉपिक है यूज रॉ ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स एंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या करना है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स तो मैंने बता दी है कि रॉ ऑपरेशन से हमने किस तरह निकाला है, वो तो देख लिया आप लोगों ने, असल बात यह है कि इनवर्स आप कैसे निकालोगे। पहला मैंने आपको इनवर्स का तरीका बताया था एडजॉइंट मेथड, मैंने बताया था एडजॉइंट मेथड से आप इनवर्स कैसे निकालते हो, ये फॉर्मूला था एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, तो आपके पास डायरेक्ट इनवर्स आ जाएगा, ये तरीका था एडजॉइंट मेथड का। अब अगर आप इनवर्स निकालना चाह रहे हो लेकिन आप एडजॉइंट और डिटरमिनेंट के चक्कर में नहीं पड़ रहे, तो आप एक और मेथड भी यूज करके इनवर्स निकाल सकते हो। अब वो कैसा, उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रॉ ऑपरेशन के जरिए से आप इनवर्स निकाल रहे हो। अब रॉ ऑपरेशन के जरिए से इनवर्स कैसे निकालोगे, इसमें एडजॉइंट डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है, इसके पीछे हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं किसी नंबर को लिखूं, नंबर हो फॉर एग्जांपल मुश्किल करते हैं ना, माइनस 10 कर देते हैं, मैं माइनस 10 लिखता हूं, कोई एक नंबर मैंने लिख दिया यहां पर, और इस नंबर के साथ मैं एक आइडेंटिटी लिखता हूं, माइनस 10 के साथ मैं लिखता हूं वन, मैं अभी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि रॉ ऑपरेशन जो है अगर आप इसमें देखो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई ये सब काम कर सकते हो, तो मैं भी बात कर रहा हूं सिंपल मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की। मैंने यहां पे लिखा माइनस 10 और माइनस 10 के साथ मैंने लिखी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, कि उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करो माइनस 10 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने क्या लिखा माइनस 10 के साथ वन लिख दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी मेंटेलिटी क्या होगी, अगर नंबर में आप बात समझ जाओ तो मैट्रिक्स के अंदर भी समझ जाओगे। अब मैं काम करता हूं, मैं किसी तरह माइनस 10 को यूज करता हूं वन, मुझे किसी तरह माइनस 10 को वन बनाना है, तो कोई स्टूडेंट बता सकता है माइनस 10 को मैं वन कैसे बनाऊंगा, समझ नहीं आई, कोई और स्टूडेंट बता दो, माइनस 10 को वन बनाना मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 10,
मतलब सिंपल आप क्या करो यहाँ पे, माइनस टेन को आप माइनस टेन से डिवाइड करवा दो, वो वन हो जाएगा। और जो काम आप इसके साथ कर रहे हो वही काम आप इसके साथ भी करो। क्या होता है जब आप इसको माइनस टेन से डिवाइड करोगे तो ये वन हो जाएगा, जब इसको माइनस टेन से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा। आपने क्या किया, जो काम माइनस टेन पे किया वही काम आप वन पे कर रहे हो। माइनस टेन को आपने माइनस टेन से डिवाइड किया तो वन को भी आपने माइनस टेन से डिवाइड कर दिया। अब आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, वो बात क्या है कि अगर आप एक नंबर को आइडेंटिटी के साथ लिखो, उसके बाद उस नंबर के साथ कुछ ऐसा करो कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी के अंदर, जो आपने नंबर के साथ किया था वही काम आप आइडेंटिटी के साथ करो। इसको माइनस टेन से डिवाइड किया था तो इसको माइनस टेन से भी डिवाइड करो। तो अगर ये नंबर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो आपकी आइडेंटिटी है वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये माइनस टेन था ना, माइनस टेन का इनवर्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन टेन। तो माइनस टेन को अगर आप आइडेंटिटी बना दो तो जो यहां पे आइडेंटिटी थी वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसकी वही बात है सिंपल कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए लिखी हो और उसको आप आइडेंटिटी के साथ लिखो, आपने इसके साथ कुछ ऐसा करना है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, कि इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। और जो आप इसके साथ कर रहे होगे वही काम आप इसके साथ करोगे। अगर इसको आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल वही नेचर है जो मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं कि जो काम आप इसको करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो वही काम आप इसके साथ करो तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैट्रिसेस के अंदर भी वही काम करना है आपने, कि आपने एक मैट्रिक्स को लिखना है आइडेंटिटी के साथ और उस मैट्रिक्स को किसी तरह आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना, तो ये जो आइडेंटिटी है ये आपकी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये जरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। सही। अब सवाल ये करना क्या, हमें भाई रॉ ऑपरेशन लगाने, हमें कुछ ऐसे रॉ ऑपरेशन लगाने हैं कि जिससे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। इसको आप इस तरह समझो कि जो रॉ ऑपरेशन मैं कर रहा हूंगा ना वो एक किस्म का, अगर मैं आप लोगों की एक बात बोलूं कि इसको मैं ये जो चीज लिखी हुई है ना मैंने ए और आई, इसको मल्टीप्लाई करवाओ ए इनवर्स से, तो उसको मल्टीप्लाई करवाओ ए इनवर्स से। इसी तरह आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाओ ए इनवर्स से। तो ए और ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, और ए इनवर्स और आइडेंटिटी ए इनवर्स के बराबर होगा, ये चीज आपको मिलेगी। तो आपने क्या करना है, आपने रॉ ऑपरेशन लगा के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो रॉ ऑपरेशन जो है ना वो इक्विवेलेंट है ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने के, कि जैसे अगर आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो ना, ये वही बात है कि जो आप रॉ ऑपरेशन लगा के यहाँ पे करोगे, मतलब जो इम्पैक्ट रॉ ऑपरेशन का होगा ना, कि आप रॉ ऑपरेशन लगाओगे, इंटरचेंज करो, ये काम कर करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये बात इक्विवेलेंट है, ये बात वही है कि आप इसको डायरेक्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा। अब आप डायरेक्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना, क्योंकि वही ए इनवर्स ही तो आपको निकालना है, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कैसा हो क्यों रहा है। इसका रॉ ऑपरेशन का इम्पैक्ट वही है कि अगर आप इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दो तो जो आपके पास डायरेक्ट चीज आ रही है ना वो रॉ ऑपरेशन में आप इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, तो ये वाला मेथड है, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपके पास डायरेक्ट ए इनवर्स आ जाएगा। तो सिर्फ ए इनवर्स आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते, आप रॉ ऑपरेशन के जरिए से भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल आपको ये जो मैट्रिक्स कोई भी गिवन होगी ना, इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगर आप ऑब्जर्व करो वो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में होती है। कभी आपने इतने गौर से आइडेंटिटी को देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में जो लीडिंग एलिमेंट है उसके ऊपर नीचे सारे जीरो हैं। आपने क्या करना है, आपने किसी तरह इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में बाय यूजिंग रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो जो ऑपरेशन आपको चाहिए ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो काम आप यहाँ पे कर रहे होगे ना वही काम आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करना, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनवर्स के अंदर, और जो मकसद है वो आपका पूरा हो जाएगा। अब ये काम मैं आप लोगों करके दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो अगर कोई बातें यहाँ पे नोट करनी है तो। अब मैं आप लोगों क्वेश्चन फोर करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर टू उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू था ना कि रिड्यूस इक्लॉन में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो वो क्वेश्चन नंबर फोर में वही काम कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर टू में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में तकरीबन सभी एक किस्म की मैट्रिक्स हैं यार, कोई एक्स्ट्रा काम किसमें करना पड़ेगा। पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू में इंटरचेंज करना पड़ेगा सबसे पहले स्टेप में, तो मैं इनमें से कोई करवा देता हूँ, लेट्स से पार्ट नंबर वन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन।
आपको मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, -3, 0, -2, 0, -2, -2, 2। सवाल क्या है इसका लिखा हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। सवाल आपने पढ़ना है क्योंकि इसी किस्म का सवाल आपको 2.4 में या 2.3 में आई गेस मिला था। वो सवाल क्या था कि इनवर्स निकालो बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड का बोलेंगे तो उस मेथड से निकालना पड़ेगा, और अगर वो बोलेंगे कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से आपने इनवर्स निकालना है तो फिर आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। कंसीडर कर लो इसको, मैं नाम दे देता हूँ, आसानी होती है थोड़ी। कंसीडर कर लो ये ए मैट्रिक्स है, अब आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो सिंपल आप क्या करो, इसको इस तरह लिखो। ये लिखने का तरीका होता है, मतलब ये आप बता रहे हो कि आपने करना क्या है यहाँ पे। ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये आप लोग पेज नंबर 57 जो है ना, इसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, इस इंपॉर्टेंट इस मेथड की एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ से स्किप होगी, जो मैंने बुक देखा वो देखे कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ये ध्यान में रख लेना। क्योंकि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स आप निकाल ही नहीं सकते ना उसका। तो ये बात उन्होंने लिखी हुई आगे कि डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 1, 2, -3, 0, -2, 0, -2, -2, 2। आप जरा इसका डिटरमिनेंट निकालो। हम एक्सपेंड करते हैं इसको पहले कॉलम से, क्योंकि पहले कॉलम में जीरो आ रहा है। तो पहले कॉलम से एक्सपेंड करो, ये चार एलिमेंट आएंगे, -2, 0, -2, 2। फिर इस एलिमेंट के साथ नेगेटिव आता, लेकिन ये तो जीरो है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर इसमें क्या है, -2, रॉ डिलीट कॉलम डिलीट, तो 2, -3, -2, 0। ये मैंने कॉलम वन से डिटरमिनेंट निकाला है, देख लेना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, -2 को 2 से करोगे -4 हो जाएगा, और -2 को 0 से करो तो 0 हो जाएगा। 2 को 0 से करो 0, माइनस -2 को -3 से करोगे तो 6 हो जाएगा। जरा सॉल्व करते हैं, 1 को -4 से करो -4, और -2 को -6 से करो तो ये +12 हो जाएगा। तो -4 + 12 8 के बराबर। तो सिंपल लैंग्वेज में जो डिटरमिनेंट है, सिंस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, या आप ये बोल सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल है, मतलब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो। तो ये बेसिक काम पहले कर लेना। जब आपको पता चल जाए कि आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो, अब जरा हम जाते हैं और जरा इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है ए। यहां पे आप डॉटेड लाइन भी लगा सकते हो, अगर आप सॉलिड लाइन लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा लो, कोई आपको रोकेगा नहीं। इस तरह लाइन लगा लो, या आप इस तरह हल्का सा कर लो, वो मसला नहीं है, कोई इसमें कोई कैद नहीं है। और आप क्या करो, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखो इस तरीके से। के मैट्रिक्स है 1, 2, -3, 0, -2, 0, -2, -2, 2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो आप 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये आपने ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। अब आप वही काम करो जो आपने पहले पढ़े थे। आपको क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है इस पे गौर करना है, और इक्लॉन फॉर्म जो है, जो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है, उसमें आपने कन्वर्ट करना है। अब वही काम जो मैंने पहले बताए थे वही करना है आपने। जैसे अगर आप पहली बात ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऊपर जीरो है, यहाँ पे -2 है। मैंने बोला था इस तरह करो नहीं, जैसे यहाँ पे मामला चल सकता है, अगर आप डायरेक्ट इसको जीरो कर दो चल सकता है, कोई इशू नहीं है। बल्कि यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं। एक तरीका क्या है कि आप इसको इंटरचेंज करके ऊपर ले आओ, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि वन के नीचे आपको जीरो चाहिए। तो यहाँ पे आप एक काम करो कि इस रॉ को मल्टीप्लाई करवाओ 2 से और ऐड करवा दो इसके अंदर, तो वन के नीचे सारे जीरो आ जाएंगे। वो जो काम था ना इंटरचेंज करने का, वो आप ये समझ लो अगर वहां पे करो। लास्ट मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को करवाई है ना, उसके अंदर भी जो एंड पे रॉ 3 और रॉ 4 को इंटरचेंज करवाया है, वो इंटरचेंज जरूरी नहीं था आप लोगों के लिए। मतलब आप कर लो, बेहतर तरीका होता है। जरूरी बस क्या होता है कि जो पहली रॉ है ना आपकी, उसमें जीरो ना आ रहा हो। मतलब जैसे वो पहला सवाल आपने देखा था ना कि पहली रॉ में जीरो था पहले एलिमेंट में, और नीचे उसके सारे नंबर लिखे हुए थे, तो वो चीज ना हो, पहली रॉ में ऐसी हरकत ना हो, तो उसको आप बिल्कुल नीचे शिफ्ट करवा दो, तो ज्यादा बेहतर होता है। वो वहां पे जरूरी है।
जबकि इधर आप इंटरचेंज करवाओ ना करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वक्त के साथ आप लोग खुद ही बातें सीख जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल, वन के नीचे जीरो चाहिए ना, तो ये जीरो है, इसको जीरो कैसे बनाऊंगा, सिंपल मल्टीप्लाई करवाओ वन को टू से। पहली बात ये तो अपनी जगह पे ही है ना, इसको अपनी जगह पे रहने दो। अच्छा तो इसको टू से मल्टीप्लाई करवाओ और आर थ्री के अंदर ऐड करो, तो वन को टू से मल्टीप्लाई करवाओ टू होगा, इसके अंदर ऐड करवाओ जीरो, इसको टू से मल्टीप्लाई करवाओ फोर, फोर को माइनस टू में ऐड करवाओ टू, इसको मल्टीप्लाई करवाओ टू से तो माइनस सिक्स, ऐड करवाओ तो माइनस फोर। अब देखो जो काम मैंने इसके साथ किए सेम काम मैं उसके साथ भी करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ टू से, वन को टू से मल्टीप्लाई करवाओ क्या हो जाएगा टू, टू को जीरो में ऐड करवाओ, इसी तरह इसको टू से मल्टीप्लाई करवाओ जीरो, जीरो को जीरो के अंदर ऐड करवाओ जीरो, इसी तरह जीरो से मल्टीप्लाई करवाओ सॉरी जीरो को टू से करो जीरो आएगा, ऐड करवाओ ये सिचुएशन बन जाएगी। तो जो काम आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करवा रहे हो ना सेम काम आप यहाँ पे भी करो, कि आर वन को आप मल्टीप्लाई करवाओ टू से और ऐड करवा दो आर थ्री के अंदर। और आगे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। टू टाइम ऑफ आर वन को मैंने ऐड करवाया आर थ्री के अंदर, ये चीज मैंने आगे लिखी है, चेंजिंग किसके अंदर हो रही है आर थ्री के अंदर हो रही है। ये काम करने के बाद देखो वन के नीचे सारे जीरो, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जो माइनस टू है इसको वन बनाना है, लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, तो अब जरा उस पर हम काम करते हैं। क्या करो आप सिंपल अगेन वही माइनस टू से डिवाइड करवा दो या वन वन अपॉन माइनस टू से मल्टीप्लाई करवा दो, एक ही बात है। तो जब माइनस टू से डिवाइड करवाओगे वन हो जाएगा, इसको माइनस टू से डिवाइड करो तो जीरो ही रहेगा, इसको माइनस टू से डिवाइड करो जीरो, इसको माइनस टू से डिवाइड करो तो माइनस वन अपॉन टू, और इसको करो जीरो ही रहेगा ये। तो आगे लिख दो भाई क्या किया, माइनस वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करवाया आपने आर टू। उसके बाद अगेन अब देखो यहाँ पे दो काम करने हैं आपने, क्योंकि डायरेक्ट आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, तभी मैंने कहा था जल्दी हो जाएगा यहाँ पे, कि वन के नीचे भी आपको जीरो चाहिए वन के ऊपर भी जीरो चाहिए आपको, क्योंकि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, और इस फाक से वन के नीचे ऊपर दोनों जगह टू है, तो जो काम नीचे के लिए कर रहे हो वही काम ऊपर के लिए भी आपको करना है, कि आप आर वन को मल्टीप्लाई करवाओ टू माइनस टू से, थ्री के अंदर ऐड करवा दो सॉरी जो आर टू है इसको मल्टीप्लाई करवाओ माइनस टू से और ऐड करवा दो आर थ्री के अंदर और आर वन के अंदर, तो ये जीरो हो जाएगा ऊपर नीचे। आगे लिख दे दो मैं क्या काम करवाना है भाई, चेंजिंग किसके अंदर आएगी, चेंजिंग आएगी सबसे पहले आर वन के अंदर, और क्या चेंजिंग आई है कि मैंने आर टू को मल्टीप्लाई किया टू से, आर टू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सॉरी माइनस टू से और ऐड करवा रहा हूँ आर वन के अंदर, इसी तरह मैं आर टू को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ माइनस टू से और ऐड कर रहा हूँ आर थ्री के अंदर, इस तरह वन के ऊपर नीचे जीरो आ जाएगा। अच्छा जी आप इस आर सबसे पहले आर वन की बात करते हैं, आर टू को आपने मल्टीप्लाई करवाया माइनस टू से तो इसको माइनस टू से करो जीरो ही रहेगा, वन के अंदर ऐड करो वन, इसको माइनस टू से करो माइनस टू, ऐड करवाओ माइनस टू को टू के अंदर जीरो, इसको मल्टीप्लाई करवाओ जीरो ऊपर ऐड करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाओ माइनस टू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर वन ही रहेगा, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाओ, जब इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वन आएगा, वन को जीरो के अंदर ऐड करो तो वन हो जाएगा, और इसको एक ही बात है जीरो आ जाएगा आपको। तो आर टू को बस आपने मल्टीप्लाई करवाना है माइनस टू से और ऐड करवा दिया आर वन के अंदर, और अभी अगेन वही माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है आर टू को और ऐड करवा देना आर थ्री के अंदर। पहले आर टू को तो मैं अपने जगह पे लिख देता हूँ, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा जी जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाओ और ऐड करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाओ माइनस टू ऐड करवाओगे जीरो, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को टू के अंदर ऐड करवाओ, अगेन माइनस टू से मल्टीप्लाई करो वन होगा, वन को जीरो में ऐड करो वन, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे वन रहेगा। अब आप देखो वन के नीचे भी जीरो वन के ऊपर भी जीरो, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपको इस माइनस फोर को आपने वन बनाना है क्योंकि लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, और उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वन के ऊपर आपको जीरो चाहिए, ये दो काम करोगे आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर ये वाला हिस्सा मिटा दूं। तो बस आपने आर थ्री को वन अपॉइंट माइनस वन अपॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी जो है वो तो अपनी जगह पे आ जाएंगे। अच्छा
अच्छा जी, मल्टीप्लाई करवाओ माइनस वन अपॉन फोर से, ये तो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, ये चीज वन हो जाएगी, और इसको माइनस वन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, इसको माइनस वन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करवाओ, आ जाएगी। ठीक है, जो काम आप इस मैट्रिक्स के साथ कर रहे हो वही काम आपको इसके साथ करना है। तो अभी क्या हो जाएगा, क्या किया आपने, आपने सिंपल माइनस वन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करवाया आर थ्री को। अब आप देखो बस एक चेंजिंग रहेगी, वन के ऊपर आपको जीरो करना है। कैसे, आप इस रॉ को मल्टीप्लाई करवाओ थ्री से और ऐड करवा दो आर वन के अंदर। जीरो को माइनस थ्री से करोगे, सॉरी जीरो को थ्री से करोगे जीरो ही रहेगा, वन के अंदर ऐड करो वन, इसको करो अगेन जीरो, जीरो को जीरो में ऐड करो जीरो, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करवाओ थ्री होगा, थ्री को माइनस थ्री में ऐड करवाओ जीरो हो जाएगा, अगेन इसको मल्टीप्लाई करवाओ थ्री से तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस थ्री अपॉन टू को वन में ऐड करवाओ, माइनस थ्री अपॉन टू को वन में ऐड करवाओगे तो माइनस टू बचेगा। दोबारा बताता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवाया आपने थ्री से माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस थ्री अपॉन टू को आपने वन में ऐड करवाया तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, अगेन इस माइनस वन अपॉन फोर को मल्टीप्लाई करवाओ थ्री से तो ये माइनस थ्री अपॉन फोर हो जाएगा और ऐड करवा दो वन के अंदर, तो अभी क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर, क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर, और अगेन इसको आप थ्री से मल्टीप्लाई करवाओ ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन फोर, माइनस थ्री अपॉन फोर को जीरो के अंदर ऐड करो तो माइनस थ्री अपॉन फोर ही रहेगा, और बाकी दो रो को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। सवाल बच्चों आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, क्यों कंप्लीट हुआ कि आपने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया आइडेंटिटी में, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी ये किसमें कन्वर्ट होगी, इनवर्स में होगी, तो बस आखिरी स्टेप में आप ये मेंशन कर दोगे इनवर्स आपके पास आ गए, और इनवर्स क्या है, यहाँ पे इनवर्स है माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन फोर, माइनस नहीं आएगा, माइनस थ्री अपॉन फोर जीरो माइनस वन अपॉन टू जीरो माइनस वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट फोर माइनस वन अपॉइंट फोर, तो ये भी इनवर्स निकालने का तरीका है। ये जो इनवर्स निकालने का तरीका है इसको हम कहते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, इस तरीके से आप इनवर्स निकालते हैं।